हेलो गाइस, मेरा नाम है वैगला विशाल और मैं आ चुका हूँ नेक्सा पे और आपका स्वागत है वैगला विशाल व्लॉग्स में। और अभी गुड इवनिंग हो रहा है तो इवनिंग के समय में वीडियो बना रहा था तो एक्सल 6 का, तो मैं एक्सल 6 के बारे में बात करूँगा। ओवरऑल लुक क्या है, कितनी है, 7 सीटर है, 6 सीटर है, जो मेरे पास वेरियंट है वो 6 सीटर का है और ऑलवेज है, राइड के बारे में मैं बात करूँगा। ऐसे कुछ देखे तो साइड में से कुछ ऐसा नज़र आ रहा है एक्सल 6 का, जो है नेवी ब्लू में और प्रीमियम कलर लगता है इसमें, और इस कार में जो है कैरेंस आती है। तो यहाँ पे देखे तो किया कैरेंस आ गई, जो है अर्टिगा आ गई, एक्सल 6 और 3 कार यहाँ पे आती है इसमें। तो यहाँ पे साइड में से देखे, यहाँ पे आगे फ्रंट से तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है इसका लुक। तो यहाँ पे देखे तो LED सेटअप में यहाँ पे आपको पूरा नज़र आएगा। और यहाँ पे देखिए LED होगी, यहाँ पे DRL यहाँ जलेगी, यहाँ पे इंडिकेटर आ गई, और यहाँ पे देखे तो यहाँ पे आपको फॉग लैंप मिल जाएगी। और इस वेरिएंट में आपको ग्रिल देखे तो कुछ ऐसी नज़र आएगी। यहाँ पे मैट फिनिशिंग में यहाँ पे आपको ग्रिल मिलेगी और यहाँ पे क्रोम था है थोड़ा सा, तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे टेल लाइट में यहाँ पे क्रोम है तो यहाँ पे बढ़िया सी लग रही है। और यहाँ पे 360 डिग्री व्यू कैमरा के साथ यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे देखे तो स्कीड प्लेट है वो सिल्वर में, थोड़ी सी यहाँ पे वॉश नहीं हुई तो थोड़ी सी गंदी है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र आ रहा था इसका लुक। और यहाँ पे जो है मिरर में भी आपको 360 डिग्री व्यू मिलेगी। यहाँ पे देखे तो टायर भी थोड़े से गंदे क्योंकि, और 195/60 और 16 इंच के यहाँ पे आपको टायर मिलेगी, जो है ड्यूअल टोन में यहाँ पे आपको जो का मिलेगा टायर और डिस्क ब्रेक के साथ। पीछे वाले देखे तो पीछे आपको डम ब्रेक्स मिलेगी। और यहाँ पे जो क्लैरिटी है वो मैट फिनिशिंग में यहाँ पे आपको मिलेगी, थोड़ी सी गंदी भी है। यहाँ पे देखे तो यहाँ पे आपको रूफ रेल मिलेगी, रूफ रेल के साथ। यहाँ पे ऊपर पीछे से देखे तो पीछे से कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, इस कार में सनरूफ नहीं है। तो यहाँ पे देखे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर के साथ यहाँ पे मिलेगी, लॉक अनलॉक के साथ यहाँ पे आपको मिलेगा। थोड़ी सी यहाँ पे हवा भी चल रही है। पूरा ब्लैक में यहाँ पे आपको थीम मिलेगा जो एक्सल 6 का है। यहाँ पे चारों पावर विंडो के साथ, एक ऑटो के साथ मिलेगा लॉक अनलॉक। यहाँ पे तो फोल्ड हो जाएगी मिरर और मिरर एडजस्टेबल करने के लिए। तो यहाँ पे देखे तो जो है क्रोम में मिलेगा इसका जो है हैंडल। यहाँ पे देखे तो बॉटल होल्डर, यहाँ पे स्पीकर आ गया। तो ओवरऑल लुक यहाँ से देखे तो डोर में बढ़िया लग रहा है, प्रीमियम से कार है। अंदर से देखे तो कुछ ऐसा नज़ारा है। यहाँ पे देखे तो हाइट एक्सटेंडर सीट मिलेगी आपको, हाइट ऊपर नीचे भी कर सकते हो। वो है ये जो कार है यहाँ पे डेड राइडर्स के साथ और ऑटोमेटिक कार है, पेट्रोल में है। अंदर से कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देगा आपको, अंदर से जो प्रीमियम का लुक यहाँ पे नजर आ रहा है इसमें। यहाँ पे देखे तो यहाँ पे सिल्वर में दिखाई देगा और सिल्वर में कुछ नज़ारा यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे देखे तो 8 इंच की यहाँ पे स्क्रीन है, जो मेरा भाई का लड़का है वो यहाँ पे आ रहा है क्योंकि वो साउंड भी कर रहा है तो मुझे भी डिस्टर्ब कर रहा है। इस कार में पेडल शिफ्टर के साथ यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे फोन कट करने के लिए भी, यहाँ पे ड्राइविंग मोड, यहाँ पे ड्राइविंग मोड आ जाए। और यहाँ पे जो ऑटोमेटिक यहाँ पे कंट्रोल मिलेगा आपको, यहाँ पे देखे तो सिल्वर में यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हजार आ गए और यहाँ पे पार्किंग सेंसर लाइट के साथ यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे देखे तो यहाँ पे इस साइड ऐसे इवेंट है, थोड़े से छुप से गए थोड़ा चलता है एक साइड जवा देगी। और यहाँ पे ऐसे इवेंट है इस साइड, थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लगा, ये मुझे ठीक नहीं लगा। यहाँ पे देखे तो कुछ ऐसा नज़ारा है, यहाँ पे डे नाइट वाला मेरा फोन के साथ यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे देखे तो यहाँ पे लाइट के साथ यहाँ पे आपको मिरर मिलेगा। इस साइड देखे तो यहाँ पे भी आपको लाइट के साथ यहाँ पे आपको मिरर मिलेगा। यहाँ पे देखे तो सन ग्लास के लिए मिलेगा, यहाँ पे लॉक एंड लॉक, यहाँ पे जब तक डोर ओपन है तब तक रहेगा। और यहाँ पे देखे तो यहाँ पता, और इस साइड जो फ्लो है यहाँ पे जो चिल्ड किया होगा इस फ्लो को यहाँ पे आपको मिलेगा, जो यहाँ पे लगा देगा तो यहीं से जाके उस साइड जाके, मैं आपको पीछे जाके दिखाता हूँ कैसे जाएगा। तो डोर भी में डोर की जो है आवाज जो कितना है, डोर भी यहाँ पे हैवी मिलेगा। यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग में यहाँ पे जो डोर है ये मिलेगा, पीछे वाला डोर क्यों खुल नहीं रहा। तो यहाँ से देखे तो डोर ओपन हो चुका है। यहाँ पे पूरा ब्लैक थीम के साथ है, सॉफ्ट टच कहीं भी नहीं नजर आ रहा। यहाँ पे देखे तो पावर विंडो के साथ यहाँ पे जो क्रोम में मिलेगा यहाँ पे। तो इस साइड देखे तो यहाँ पे कुछ ऐसा नजर आ रहा है, स्पीकर रील ब्लैक में है, थोड़ा सा गंदी भी है तो ठीक लगेगा। यहाँ पे वाटर होल्डर के साथ यहाँ पे कोई भी कपड़ा रख सकते हो। यहाँ पे आप, मैं पीछे जाके देखा तो कैप्टन सीट के साथ यहाँ पे जो है ये मॉडल है कैप्टन सीट के साथ, तो मैं यहाँ पे बैठ भी जाता हूँ
तो कुछ यहाँ पे मैं बैठ के यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैं लेग रूम और थाई रूम के साथ यहाँ पे मिलेगी आपको। यहाँ पे जो आर्म रेस्ट, जो आर्म रेस्ट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे भी आर्म रेस्ट के साथ यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे जो है पार्किंग से अंदर से देखिए, इंटीरियर का कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे। ओके देखिए, तो यहाँ पे जो है रोन ड्राइव के साथ मिलेगी, पार्किंग में है 12 वोल्ट का सर्किट और यहाँ पे यूएसबी टाइप मिलेगी। और जो देखे तो यहाँ पे जो है आर्मरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे देखे तो 12 वोल्ट का सर्किट मिलेगा, उस साइड कुछ नहीं है। यहाँ पे अंदर से जो है बम्प भी नहीं है, बम्प भी नहीं है, आराम से तीन लोग तो बैठ ही सकते हैं। तो मैंने कहा था यहाँ पे फ्लो का, यहाँ पे देखे तो फ्लो, यहाँ पे चारों फ्लो यहाँ पे आपको मिलेगी। तो मैं पीछे से कुछ ऐसा है, यहाँ पे भी 12 वोल्ट का यहाँ पे सर्किट मिलेगा आपको, इस साइड भी नहीं, इस साइड नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसा है बैठने में, और 6 सीटर है तो ऑलवेज आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे देखिए तुम्हारा भाई का लड़का है ना, वो यहाँ पे है, खुद बैठने के लिए जिद कर रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी। तो मैं यहाँ से देखिए, तो मैं खोल के दिखाऊंगा आपको। तो यहीं से आप खोल सकते हो, इसको फोल्ड कर सकते हो, आगे चली गई तो यहाँ पे आप पीछे जा सकते हो। तो यहाँ पे फोल्ड ही थी, तो मैं ऐसा कुछ है तो मैं बैठ के भी दिखा दूँ आपको। तो यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, तो आगे पीछे भी कर सकते हो। तो बहुत अच्छा वीडियो होता है। जो मुझे बोल रहा है कि आप बढ़िया वीडियो बना रहे हो, बढ़िया मैं आगे पीछे भी आप कर सकते हो। ओके आगे भी जा सकती है और पीछे भी जा सकती है, बाद में कर लेगी। यहाँ पे देखे तो यहाँ पे जो है रूफ रेल के साथ यहाँ पे मिलेगी, और मेरे पीछे पीछे ही फर रहा है, घूम रहा है। मेरा टेल लाइट तो दिखाई नहीं, टेल लाइट देखे तो यहाँ पे LED चलेगी, यहाँ पे ब्रेक चलेगा, यहाँ पे इंडिकेटर आ गया, यहाँ पे रिवर्स लैंप आ गया, ये तो खाली है। और स्मार्ट हाइब्रिड के साथ मिलेगा आपको। और यहाँ पे देखे तो यहाँ पे आपको कैमरा मिलेगा, और यहाँ पे लाइट भी मिलेगी, यहाँ पे स्केट प्लेट मिलेगी, और यहाँ पे है टू करने के लिए आपको मिलेगा, और 2 रिक्वेस्ट सेंसर के नहीं, 4 रिक्वेस्ट सेंसर है यहाँ पे। और यहाँ पे देखे तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर के साथ यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा सा मैं पीछे जाके दिखा दूँ, तो पीछे जाके कुछ प्रीमियम सा यहाँ पे लुक नजर आएगा XF6 का। तो मैं पीछे वाला बूट खोल लूँ, तो पीछे वाला बूट यहाँ पे खुल गया है। यहाँ पे भी आप सामान रख सकते हो, इस साइड को रख दे, यहाँ पे थोड़ा सा डीप हो गया है। और यहाँ पे देखे यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपको चेक के लिए मिलेगा, पकड़ है वो सब यहाँ पे आप रख सकते हो। तो यहाँ पे बढ़िया सी सिस्टम की है इन्होंने, तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे सही कर रहा है, साइड में चले जाओ, यहाँ पे मैं ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे वाइपर के साथ यहाँ पे वॉशर मिलेगा आपको, यहाँ पे डिफोगर आ गया, ये लाइन वाला है, तो हीटिंग के साथ यहाँ पे मिलेगा, और नेक्सा का यहाँ पे ब्रांड मिलेगा। और यहाँ पे देखे तो रूफ रेल के साथ यहाँ आपको मिलेगी, और तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो मैंने इस साइड तो दिखाया नहीं, तो इस साइड देखे तो पेडल शिफ्टर के साथ दिखाया था। तो यहाँ पे देखे तो जो वाइपर है ऑटोमेटिक नहीं है, यहाँ पे देखे तो ऑटो हेडलैम्प के साथ आपको मिलेगी। मैं हेडलैम्प ऑन करके भी दिखा दूँ, हेडलाइट ऑन हो चुकी है, और मैं हजार्ड भी ऑन कर लूँ यहाँ पे। तो हजार्ड के ऑन होने के बाद क्या आएगी, तो यहाँ पे जो हजार्ड ऑन हो चुकी है, और यहाँ पे DRL यहाँ पे जल चुकी है, ADRL जल चुकी है, यहाँ पे हेडलैम्प जल चुकी है। जो है हेलोजन सेटअप नहीं है, LED सेटअप में यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे जो हाई बीम और लो बीम के लिए भी आपको ये मिलेगी, हाई बीम और लो बीम के लिए हेडलाइट मिलेगी, और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर के साथ आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, यहाँ पे हजार्ड भी बंद कर देता हूँ, और मैं आपको बॉनर फ्यूल कैप भी आपको खोल के दिखा दूँ। तो फ्यूल कैप यहीं से खोलेगा आपको, तो फ्यूल कैप हम खोल के बंद कर देते। डीजल में कार ये नहीं आती, ऑलवेसली पेट्रोल में ही यहाँ पे मिलेगी, खुला नहीं, दूसरी बार खुलने जाना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, मेरे को लगा खुल ही गया है। तो यहाँ पे ना अब ज़्यादा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अब ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे खुल जाएगा, मेरे साथ ही घूम रहा है, अभी नहीं खुला, बाद में खोल देंगे। तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे बॉन्ड जो है मैं बोनट खोल के भी आपको दिखा दूँ कि कितना सीसी के साथ यहाँ पे आपको मिलेगा ये। तो यहाँ पे है बोनट, यहाँ पे देखे तो यहाँ पे ग्लास के लिए 360 डिग्री व्यू जो है ट्रैक्शन के लिए भी मिलेगा, यहाँ पे ऑटो ऑफ ऑन ऑफ के लिए इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ मिलेगा, और यहाँ पे देखे प्रीमियम सा यहाँ पे आपको लगेगा इस कार में। मेरे को तो ऑब्वियसली अच्छी लगी कार। यहाँ पे बोनट खुल चुका है मेरे को लग रहा है, ओके तो बोनट भी खुल चुका है, मैं इसमें देखता हूँ क्या है क्या नहीं। तो बहुत गंदी हुई है, यहाँ पे देखो कपड़ा रखा हुआ है इन्होंने, तो अच्छा है, नो डाउट, नोटिस भी लिखा हुआ है कुछ। ये
ये BHP 101 BHP निकाल देगी और 136 न्यूटन टॉर्क निकाल देगी और ज़्यादा पावर यूज़ करेगी। और 7 सीटर कार है तो उसको इतना इंजन तो चाहिए ही चाहिए, और तगड़ा इंजन है, आपको माइलेज भी साइड में रहो। और बोनट भी यहाँ पे हैवी है तो कोई बात नहीं है इसमें, तो मैं बोनट भी बंद कर चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर साइड में से कुछ ऐसा नज़र आ रहा था इसका लुक। ओवरऑल लुक के बारे में बात करो तो ओवरऑल लुक मुझे बढ़िया लगा, और ओवरऑल लुक मुझे बढ़िया लगा XL6 का स्मार्ट हाइब्रिड के साथ यहाँ पे आपको मिलेगी। और मुझे पीछे पीछे ये चल रहा है मेरे पीछे, एक तो यहाँ पे तो अच्छा था। मैं और ये आए थे और मेरे भाई भी साथ आए थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इसके कंपैरिजन में जो कार है उसके बारे में मैं भी बताऊंगा कि अकेरेंस हो गई, अर्टिगा हो गई वगैरह वगैरह, जो कार है इसके जो है साथ में उसके बारे में भी मैं आपके साथ बात करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय, पीस।